हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस बासवार और मैं हूं सुजाते। तो दोस्तों, हम लोग जब भी कोई भी फोटो तुलता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का फोटो तुलता है, पहले तो कैम स्कैनर यूज करता था। लेकिन कैम स्कैनर बैंड होने के बाद आप क्या यूज करेंगे दोस्तों? कैम स्कैनर से जो भी कोई भी फोटो हम लोग स्कैन करके रखता था, लेकिन कैम स्कैनर सिक्योर होता है कि नहीं होता हम लोगों का नहीं पता है, सिक्योरिटी देता है कि नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, गूगल का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो फोटो को स्कैन करता है, तुम लोगों का गैलरी पर सेव भी करता है। तो चलिए देख लेते हैं स्कैनर का नाम क्या है और इसका एप्लीकेशन का अंदर से कैसे तुम लोगों का स्कैन करना है, सेव भी कैसे करना है, पीडीएफ फाइल करके सेव कैसे करना है, आज इस वीडियो में हम दिखाने वाला है। वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जब भी कैम स्कैनर यूज करते हैं वो सिक्योरिटी देता है कि नहीं देता नहीं पता हो सकता है, लेकिन ये 100% सिक्योरिटी है दोस्तों, गूगल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है ये। तो चलिए देख लेते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर से कैसे कौन सी काम करना है, कौन सी एप्लीकेशन का तुम लोग पीडीएफ फाइल करके रख लो, कोई भी एप्लीकेशन पीडीएफ फाइल करके रख सकते हो और खुद ब खुद दोस्तों ये स्कैन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ओपन करके देख लेते हैं एप्लीकेशन का नाम, मैं लास्ट तक बता दूंगी, वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के साथ साथ तुम लोगों को समझा से पे जाएगा, तो तुम लोगों का क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर से नीचे चार ऑप्शन मिल जाएगा, फ्लैश एडिटिंग और फोटो क्लिक करने का ऑप्शन और उसके बाद ग्लारी मिल जाएगा। तो चलिए आप एक फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं वो खुद ब खुद क्रॉप होता है कि नहीं होता है, क्रॉप होने के बाद कैसे पीडीएफ फाइल करना है दोस्तों वो भी दिखा दूंगी, सेव कैसे करना वो भी दिखा दूंगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। फिलहाल मैं फ्लैश लाइट को ऑफ करके देता हूँ, अब एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, फिलहाल मेरा एक खाते का फ़ोटो ले रहा हूँ, देख लीजिए, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद तुम लोगों के सामने दोस्तों यहाँ पर से चारों ऑप्शन आ जाए, गोल राउंड, तो इसके ऊपर कैमरा घुमाना होगा, देख लीजिए ये हो गया। उसके बाद ये वाला दोस्तों ठीक से देना, देख लीजिए अब ये दूंगे, देख लीजिए हो चुका है, देख लीजिए और ये हो जाएगा क्रॉप खुद ब खुद, देख लीजिए ग्लारी पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर से खुद ब खुद क्रॉप हो चुका है, यहाँ पर से रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा तुम लोगों का, देख लीजिए रोटेट का ऑप्शन। दोस्तों पहले तो कैम स्कैनर से ऐसा होता है, लेकिन ये गूगल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, अब कैम स्कैनर था तब भी था ये एप्लीकेशन था, लेकिन अब भी है दोस्तों, ये गूगल का ऑफिशियल है और कैम स्कैनर तो चाइनीज ऐप है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैंड कर दिया। तो हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, तो तुम लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करके देखना दोस्तों। तो चलिए इसको पीडीएफ फाइल कैसे करना है, दोनों फ़ोटो खींचता हूँ दोस्तों, और एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, देख लीजिए और एक फ़ोटो खींच लेता हूँ इसका, क्योंकि इसका पीडीएफ फाइल करना है, ये ले लगा, उसके बाद ये वाला। अब दोस्तों ये राउंड गोल राउंड ठीक से लेना, राउंड नहीं लेगा तो तुम लोगों का ये फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा, देख लीजिए दूसरा फ़ोटो देख लिया दोस्तों, राउंड ठीक से ले नहीं लिया तो यहाँ पर से फ़ोटो क्रॉप नहीं हुआ है। राउंड जो गोल राउंड हो ऊपर दो राउंड दिखा रहे हैं, नीचे दो राउंड दिखा रहे हैं, वो राउंड ठीक से दोस्तों पकड़ना है, उसके बाद ये क्रॉप होगा, और ठीक से नहीं धरेगा तो तुम लोग क्रॉप नहीं होगा। तो दोस्तों देख लीजिए ये क्रॉप पहले वाला क्रॉप हो चुका, तुम लोग ठीक से कर लेना वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई भी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए इस दोनों को हम पीडीएफ फाइल करेंगे। दोस्तों पीडीएफ फाइल करने के लिए तुम लोगों का एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा, वो भी एप्लीकेशन मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन के लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल उस एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेता हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है फोटो स्कैनर, तो दोस्तों देख लीजिए ये वाला एप्लीकेशन फोटो स्कैन, तो तुम लोग गूगल से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये गूगल का ऑफिशियल फ़ोटो स्कैनर है और ये एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर से जो फोटो वाला ऑप्शन मिलता है हम लोगों का मोबाइल का, हर बंदे का मोबाइल के अंदर फोटो वाला ऑप्शन मिलता है,
तो फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर से फोटो स्कैन दोस्तों देख लीजिए, ये वाला फोटो स्कैन पर जब भी क्लिक करोगे तुम लोगों का डायरेक्ट प्ले स्टोर के अंदर ले चले जाएगा। और फोटो फिलहाल तो मेरा डाउनलोड है इसलिए यहाँ पर से ये एप्लीकेशन के अंदर ले चल जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर से ये एप्लीकेशन को तुम लोग यूज़ करते हो, यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लेना। तो चलिए साहब वो वीडियो कैसे करना है वो भी दिखा दूँगी। तो पी डी एफ करने के लिए तुम लोगों का एप्लीकेशन ये वाला एप्लीकेशन ईमेज देख लीजिए, ईमेज टू पी डी एफ कॉन्वर्टर। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को तुम लोगों का ज़रूरत होगा ये पी डी एफ फाइल करने के लिए। ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, डायरेक्ट तुम लोगों का फोटो गैलरी का फोटो जो फोटो है वो पी डी एफ कर पाओगे। तो तुम लोगों का पी डी एफ करने के लिए यहाँ पर से फाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर से चार ऑप्शन मिलता है, फाइल, फोल्डर, स्टोर, क्लियर। तो तुम लोगों को फाइल का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, स्टोर। तो देख लीजिए दोस्तों जो फोटो हम लोग खींचा था दोस्तों, यहाँ पर से फोटो दोनों फोटो हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद डन पर क्लिक करता हूँ। तो आप लोगों का क्या करना होगा, यहाँ पर से नाम देना चाहते हो तो नाम दे देगा, देख लीजिए इसको काट कर देता हूँ, ए बी सी डी लिखता हूँ। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर से कोई कुछ नहीं करना है, पासवर्ड देना चाहते हो तो देना, और उसके बाद पासवर्ड नहीं देना है दोस्तों। तो उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर से कॉन्वर्ट टू पी डी एफ इसके ऊपर क्लिक करना। कॉन्वर्ट टू पी डी एफ हो चुका है दोस्तों, पी डी एफ देख लीजिए। तो पी डी एफ को सेव हो चुका है, सेव करने का दोस्तों पी डी एफ का और एक सीक्रेट जगह पर सेव करने के लिए तुम लोग क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर से प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना। इसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से क्या होगा, सेव टू ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके तो सेव टू ड्राइव, एक ईमेल आईडी पर यहाँ पर ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेव टू ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर दोस्तों ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर से जब भी यहाँ पर से सेव करके नाम देकर, नाम तो है, उसके बाद सेव पर क्लिक करके तो गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, वीडियो कैसे लगा और इस एप्लीकेशन को दोस्तों ज़रूर यूज़ करना। उस एप्लीकेशन का अंदर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एप्लीकेशन गूगल का सिक्योर एप्लीकेशन है, तुम लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी देगा गूगल। तो दोस्तों ये आज का वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, मिलता है दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने ही रहिए।